हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं अविनाश। इस वीडियो में बात करूंगा एसएससी सीपीओ 2017 के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है पेपर वन, जो कि 200 मार्क्स का होता है। पेपर वन में कुल मिलाकर चार सेक्शन होते हैं, क्रमशः जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन। हर सेक्शन में 50-50 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन एक मार्क्स का होता है। पेपर वन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। इसमें किसी भी सेक्शन का इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं होता है और कट ऑफ मार्क्स ओवरऑल 200 मार्क्स पर निकाला जाता है। जब आप पेपर वन का कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। फिजिकल टेस्ट में मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 इवेंट्स होते हैं और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 4, जो कि हैं 1600 मीटर रेस, 100 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए शॉर्ट पुट का इवेंट नहीं होता है। फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लेने के बाद आपको पेपर टू के लिए बुलाया जाता है। पेपर टू 200 मार्क्स का होता है और इसमें केवल इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रीहेंशन के 200 क्वेश्चन होते हैं। पेपर टू के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। पेपर टू का कटअप क्लियर कर लेने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट स्टेज होता है। अब कुछ ध्यान देने वाली बातें। पेपर वन और पेपर टू टेस्ट ऑनलाइन होगा, जिसे हम बोल सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। पेपर वन और पेपर टू का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। एक गलत आंसर पे 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा और इस एग्ज़ाम में कोई भी इंटरव्यू नहीं है। मेरिट लिस्ट टोटल 400 मार्क्स पर निकाली जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में बुक्स और ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बताऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएँ। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।